Assalamualaikum students, hope you are fine. Today we will start with the transition of chapter number 3, that is Dark They Were and Golden Eyed. Siyah Faam Te Woh aur Sunehri Aankhon Wale. The rocket metal cooled in the middle of wind. Rocket ki dhaat thandi hawa, wadiyon ki thandi hawa mein sard pad chuki thi. It lit gave a bulging pop. Uski dhakkan se ajeeb si awaaz aa rahi thi. From its clock interior stepped a man. Uske goal se अंदरूनी हिस्से से एक आदमी बाहर आया. अब वो मैंने एक औरत एंड थ्री चिल्ड्रन और तीन बच्चे थे. अदर पैसेंजर्स वर्ल्ड अवे क्रॉस द मर्टियन विडोज लिविंग द मैन अलॉन्ग अमंग हिज फैमिली. बाकी तमाम मुसाफिर मरीख की चरागाहों या वादियों में कहीं दूर चले गए थे उस आदमी और उसके खानदान को अकेला छोड़ के. द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर. आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल उड़ रहे हैं. एंड द टिश्यू ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ ही वॉज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम. और उसके जिस्म के टिश्यू सुकड़ रहे हैं जैसे वो किसी खला में खड़ा हो. हिज वाइफ उसकी बीवी बिफोर हिम उसके सामने सीम्ड ऑलमोस्ट टू वर्ल्ड अवे इन द स्मोक. ऐसा लगता था कि धुएं में कहीं उड़ जाएगी. द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स माइट एट एनी इंस्टेंट बी सोन टू ऑल द मर्टियन क्लाइम्स. और बच्चे छोटे छोटे बीजों की तरह लगता था अभी मरीख की जमीन में बो दिए जाएंगे. द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम. बच्चों ने उसकी तरफ देखा. एज पीपल लुक्ड अप टू द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज. जैसे लोग सूरज की तरफ देखते हैं अपनी जिंदगी का वक्त मालूम करने के लिए. His face was cold. उसका चेहरा सर्द था. What's wrong? क्या कुछ गलत है? Asked his wife. उसकी बीवी ने पूछा. Let's go back to the rocket. चलो वापस रॉकेट पे चलते हैं. Go back to the earth. वापस जमीन पर चलते हैं. Yes, listen. हाँ सुनो. The wind blew as if the flakes away their identity. हवा ऐसे चल रही थी कि उनकी शनाख्त भी मिटा देगी. At any moment, the Martian air might draw his soul from him. किसी भी लम्हे मरी की हवा उसके जिस्म से उसकी रूह को निकाल देती. As marrow comes from a white bone, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सफेद हड्डी में से गूदा बाहर आता है. He felt submerged in a chemical that could dissolve his intellect and burn away his past. उसे लगता था वो एक ऐसे केमिकल में डूबा हुआ है जो उसके वजूद को खत्म कर देगा और उसके माजी को जला देगा. They looked at the Martian hills. वो मरीख की पहाड़ों की तरफ देखते थे. Dark time had worn with the crushing pressure of years, जो सालों के दबाव से दब चुकी थी. दे सॉ द ओल्ड सिटीज. उन्होंने पुराने शहर देखे. लॉस्ट इन दिस देयर मीडोज. जो इनकी चरागाहों में कहीं खो गए थे. लेइंग लाइक चिल्ड्रन डेलिकेट बोन्स अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास. और ऐसा लगता था कि बच्चों की नाजुक हड्डियां घास के पत्तों की तरह हैं. चिन अप हरी, सेड हिज वाइफ. उसकी बीवी ने कहा. इट्स टू लेट. बहुत देर हो चुकी है. वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स. हम 6 मील का फासला तय कर आए हैं. द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर होल्डेड एट द डीप डोम ऑफ द मर्टियन स्काई. बच्चों ने अपनी पीली पीले बालों वाले बच्चों ने मरीख के आसमान की तरफ देखा. देयर वॉज नो आंसर. कोई जवाब नहीं था. बट द रेसिंग हिल्स ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास. लेकिन हवा घास के पत्तों पर से को छूती हुई गुजर रही थी. He picked up the luggage in his cold hands. उसने अपने सर्द हाथों में सामान उठाया. Here we go. चलो चलते हैं. He said. उसने कहा. A man standing on the edge of a sea. एक आदमी जो समुंदर के किनारे खड़ा था. Ready to wade in and be drawn. लगता था अभी इसमें गिर जाएगा और डूब जाएगा. They walked into the town. वो कस्बे की तरफ चले गए. Their names were Bittring. उनके नाम थे Bittring, Harry and his wife Cora, Dan, Leora and David. They built a small white cottage. उन्होंने एक छोटी सी सफ़ेद रंग की झोंपड़ी बनाई. एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर. और वहाँ पर अच्छा नाश्ता किया. बट द फियर वॉज नेवर गॉन. लेकिन डर अभी ख़त्म नहीं हुआ था. इट ले विद मिस्टर एंड मिसिज Bittring. ये मिस्टर और मिसिज Bittring के साथ साथ था. अ थर्ड अनबिडन पार्टनर एट एनी मिड नाइट टॉक. वो उनके तीसरे नजर आने वाले साथी की तरह उनकी हर रात की बातों में मौजूद होता था. एट एवरी डॉन अवेकनिंग. और हर सुबह जब वो उठते थे. आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल. मुझे लगता है मैं किसी नमक की एक क्रिस्टल हूँ या एक जर्रा हूँ. ही सेड. उसने कहा. इन अ माउंटेन स्ट्रीम. और इस पहाड़ों की नदी में बींग वॉश्ड अवे. कहीं बह जाऊँगा. वी डोंट बिलोंग हेयर. हम यहाँ के लोग नहीं हैं. वी आर अर्थ पीपल. हम जमीनी लोग हैं. दिस इज मास. ये मरीख है. इट वॉज मैन फॉर द मर्टियन. ये मरीखियों के लिए बनाया गया है. फॉर हेवन से. खुदा के लिए कोरा. लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम. घर के लिए टिकट खरीद लेते हैं. बट शी ओनली शूक हर हार्ट. लेकिन उसने सिर्फ अपना सर हिलाया. वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ. एक दिन एटमी धमाका होकर तमाम जमीन तबाह हो जाएगी. देन वी विल बी सेफ हियर. तो हम यहाँ पर महफूज रहेंगे.
सेफ एंड इनसेन, महफूज और अकेले. नॉनसेंस, गलत बात है. मिस्टर वेटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मिस्टर वेटरिंग ने खिड़की से बाहर देखा. वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे अच्छे लोग हैं. ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा. ऑल डेड सिटीज हैव सम काइंड ऑफ घोस्ट इन दैम, हर मुर्दा शहर में किसी ना किसी तरह के जिन जरूर होते हैं. मेमरीज, यादें, आई मीन मेरा मतलब. ही स्टेयर्ड एट द हिल, उसने पहाड़ियों की तरफ घूरा. यू सी अ स्टेयरकेस एंड यू वंडर व्हाट द मटेरियल लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, क्या तुमने वो सीढ़ियों का खाका देखा या ढांचा देखा, और तुम्हें हैरानी है कि मरीख के लोग इस पर कैसे चढ़ते होंगे, चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे. यू सी द मर्टियन पेंटिंग्स, तुमने मरीख की मुसवरियाँ देखी या पेंटिंग्स देखी, तस्वीरें देखी. एंड यू वंडर, और तुम्हें हैरानी होती है व्हाट द पेंटर वाज लाइक, कि इसको बनाने वाला कैसा होगा. यू मेक अ लिटिल घोस्ट इन योर माइंड, आपके जहन में एक छोटा सा जिन बन जाता है या एक छोटी सी तस्वीर बन जाती है, अ मेमरी, एक याद बन जाती है. इट्स क्वाइट नेचुरल, ये फितली अमल है. इमेजिनेशन, तस्वुर करना. ही स्टॉप्ड, वो रुक गया. यू हैव नॉट बीन प्रॉलिंग अप इन दीज रूइंस हैव यू, तुम इस बाकियात में रहने वाली नहीं हो, क्या तुम रहने वाली हो. नो पापा, नहीं पापा. डेविड लुक्ड एट डेविड लुक्ड एट हिज शूज, नहीं बाबा. डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा. सी डैट यू हैव स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो तुम इस सबसे दूर रहो. पास द जैम, मुझे जैम दो. जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसे ही सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने भी कहा. आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कुछ होगा. समथिंग हैपन डैट आफ्टरनून, उस दोपहर कुछ हुआ. लोरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइंग, लोरा रोती हुई भागती हुई आई. शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, और वो बरामदे में गिर गई. मदर, फादर, अम्मी, अबू, द वॉर, अर्थ, जंग, जमीन. ही सॉब, वो मातम कर रही थी यानी रो रही थी. अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी रेडियो पर एक खबर आई है. एटम बॉम्ब हिट न्यूयॉर्क, एटमी धमाका न्यूयॉर्क में हुआ है. ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अवे, तमाम खलाई रॉकेट्स तबाह हो गए हैं. नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब मरीख पर कभी कोई रॉकेट वापस नहीं आएगा. ओ हैरी, द मदर होल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ ने अपने शोहर और बेटी को थाम लिया. आर यू श्योर लियोरा, क्या तुम्हें यकीन है लियोरा. आस्क द फादर क्वाइटली, बाप ने खामोशी से आहिस्ता से पूछा. लियोरा वेप, लियोरा रो रही थी. वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर, हम हमेशा के लिए इस मरीख पर फंस गए हैं. For a long time there was only the sound of wind in the late afternoon. सुबह के उस हिस्से में बहुत देर तक सिर्फ हवा की आवाज़ थी. Alone through bittering, अकेले, thought bittering. Bittering ने सोचा. Only a thousand of us here, हम सिर्फ कुछ हजार हैं. No way back, घर जाने का कोई रास्ता नहीं. No way, कोई रास्ता नहीं. Sweat poured out from his face, उसके चेहरे से पसीना गिर रहा था. And his hands and his body, और उसके हाथों और उसके जिस्म से. He was drenched in the hotness of his fear, वो अपने डर की गर्मी से जुलस रहा था. He wanted to strike Laura, cried, वो चाहता था कि Laura को मारे और चिल्लाए. No, you are lying, नहीं तुम झूठ बोल रही हो. The rocket will come back, रॉकेट वापस जरूर आएगा. Instead he struck Laura head against him and said, उसकी बजाय उसने लोरा का सर अपने पास रखा और कहा. The rocket will get through someday, एक दिन रॉकेट वापस जरूर आएगा. Father, what will we do? अबू, हम क्या करेंगे? Go back, go about our business, of course, हम अपना काम करेंगे यकीनन. Raise crops and children, अपनी फसलें उगाएंगे, अपने बच्चों को परवरिश करेंगे. Wait, इंतजार करो. Keep things going until the war ends and the rocket came back, चीजें ऐसे ही चलने दो जब तक जंग खत्म ना हो जाए और रॉकेट वापस ना आ जाए. The two boys stepped out onto the porch, दो लड़के बरामदे की तरफ चलते हुए गए. चिल्ड्रन, बच्चों, ही सेड, उसने कहा. सिटिंग हियर लुकिंग बियॉन्ड देम, वहीं बैठकर उनकी तरफ देखते हुए. आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ. वी नो दिस सेट, हम जानते हैं, उसने कहा. ही लुक्ड विद डिसमे एट देयर हाउस, वो मायूसी से अपने घर को देख रहे थे. इवन द हाउस, यहाँ तक के घर भी. द विंड डन समथिंग टू इट, हवा ने उसके साथ कुछ कर दिया था. द एयर बर्नड इट, हवा ने उसे जला दिया था. द फोग एट नाइट साइट, एट नाइट, रात की धुंध ने. द बोर्ड्स ऑल वर्प्ड आउट ऑफ शेप, तमाम तख्ते अपनी असल शक्ल छोड़ चुके थे. इट्स नॉट एन अर्थमैन हाउस एनीमोर, अब वो किसी जमीनी आदमी का घर नहीं दिखता था.
योर इमेजिनेशन, ओ तुम्हारा तसव्वुर। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट और टाई पहना। आई एम गोइंग इन टू द टाउन, मैं कस्बे की तरफ जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, आई विल बी बैक। अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, मैं वापस आता हूँ। वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड। रुको हैरी, या इंतजार करो हैरी, उसकी बीवी चिल्लाई। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो चला गया। इन टाउन ऑन द शेडरी स्टेप्स ऑफ द ग्रोसरी स्टोर द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेजर एंड ईज। ग्रोसरी या रोजाना की चीजें लेने वाले स्टोर या करियाना स्टोर के बाहर साय में कुछ आदमी बैठे, अपने घुटनों पर हाथ रखे बैठे थे और बड़े ही आराम से मजे से बातें कर रहे थे। मिस्टर बिटरिंग वॉन्टेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर। मिस्टर बिटरिंग हवा में बंदूक चलाना चाहता था। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यू फूल्स, तुम बेवकूफ। ही थॉट, उसने सोचा। सिटिंग हेयर, यहाँ बैठे हो। यू आर हर्ड द न्यूज, क्या तुमने खबर सुनी। वी आर स्टार्टेड ऑन द प्लैनेट, हम इस प्लैनेट पे फंस चुके हैं। वेल मूव, आर नॉट यू फ्राइटेंड, क्या, और उसने हरकत करते हुए कहा, क्या तुम डर नहीं रहे। आर नॉट यू अफ्रेड, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। वट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो। हेलो हैरी, सेड एवरीवन, सबने कहा हाय हैरी। लुक, ही सेड टू देम, देखो उसने उनसे कहा। यू डिड हर द न्यूज द अदर डे डिड नॉट यू, क्या तुमने आज खबर सुनी, क्या नहीं सुनी। दे नोडेड एंड लाफ्ड, श्योर श्योर हैरी, उन्होंने सर हिलाया और हंसने लगे। हाँ यकीनन यकीनन हैरी। वट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। डू हैरी डू, वट कैन वी डू, क्या करेंगे हैरी, हम क्या कर सकते हैं। बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट, एक रॉकेट बनाते हैं और क्या। अ रॉकेट हैरी, एक रॉकेट हैरी, टू गो बैक टू ऑल द ट्रबल्स, ओ हैरी, तमाम मुसीबत में वापस जाने के लिए। छोड़ो हैरी, बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन तुम्हें वापस जरूर जाना चाहिए। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम, द अनियन एंड द ग्रास, क्या तुमने कभी देखा है पीच, आड़ू के फूल, प्याज और घास। वाई, यस, हाँ, क्यों। हैरी सीम्स वी डिड, सेड वन ऑफ द मैन, हैरी देखो हमने कर दिखाया, एक आदमी ने कहा। डजंट इट स्कार यू, क्या ये तुम्हें डराते नहीं, क्या तुम्हें इससे खौफ नहीं आता। कांट रिकॉल डैट इट डिड मच, हैरी याद मत करवाओ हमें हैरी। इडियट्स, बेवकूफ लोग। नाउ हैरी, अब हैरी। बिटरिंग वॉन्टेड टू क्राई, बिटरिंग रोना चाहता था। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, तुम्हें मुझसे मेरे साथ काम करना होगा। इफ़ वी स्टे हेयर, अगर हम यहाँ रहे, वी विल ऑल चेंज, हम सब मुकम्मल बदल जाएंगे। द एयर, हवा। डोंट यू स्मेल इट, क्या तुम इसकी खुशबू महसूस नहीं करते। समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है। अमर्टियन आयरस, एक मरीखी वायरस। मे बी सम सीड और अ पोलन, या फिर कोई बीज या फिर कोई पोलन। लिसन टू मी, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, वो उसे घूर रहे थे। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, सैम, उसने उनमें से एक से कहा। यस हैरी, हाँ हैरी, बोलो। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम मुझे एक रॉकेट बनाने में मदद करोगे। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लू प्रिंट्स, मेरे पास तमाम धात भी है और कुछ नक्शे भी। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप एट अ रॉकेट, यू आर वेलकम, तुम्हें मेरे साथ मेरी धात की दुकान पर काम करना होगा, लोहे की दुकान पर काम करना होगा, ताकि हम अपने रॉकेट को बना सकें। आई विल सेल यू डैट मेटल फॉर $500, मैं तुम्हें ये तमाम लोहा $500 में बेच दूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रीटी रॉकेट, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही प्यारा सा रॉकेट बना लोगे। इफ यू वर्क अलोन इन अबाउट 30 years, अगर तुमने अकेले काम किया तो तकरीबन 30 साल में। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगा। डोंट लाफ, हंसो नहीं। सैम लुक एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ देख रहा था। सैम बिटरिंग सेड, सैम बिटरिंग ने कहा। योर आइज, तुम्हारी आंखें। वट अबाउट देम हैरी, क्या हुआ है इन्हें हैरी। डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या ये ग्रे नहीं हुआ करती थी, स्लेटी नहीं हुआ करती थी। वेल नाउ आई डोंट रिमेम्बर, वैसे अभी मुझे याद नहीं है। दे वर नॉट दे, हाँ वो थी, क्या वो नहीं थी। वाई डू यू आस्क हैरी, क्यों तुमने क्यों पूछा हैरी। बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब वो पीली हो चुकी हैं। इज डैट सो हैरी, क्या ये ऐसा, क्या ऐसा ही है हैरी। सैम सेट कैजुअली, सैम ने आराम से कहा। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम लंबे हो गए हो और कमजोर हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो हैरी। सैम यू शुड हैव येलो आइज, शुड नॉट हैव येलो आइज, सैम तुम्हारी आंखें पीली नहीं होनी चाहिए थी। हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट, सैम सेड,
हैरी तुम्हारी आंखों का रंग क्या था? सैम ने कहा, माई आईज दे वर ब्लू ऑफ कोर्स, मेरी आंखें यकीनन वो नीले रंग की थी। हेयर यू आर हैरी, अब सुनो मेरी बात हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसे एक जेब से निकाल कर एक शीशा दिया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, खुद को देखो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेट, मिस्टर बिटरिंग थोड़ा सा हिचकिचाए एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर शीशे को अपने चेहरे की तरफ बढ़ाया। दे वर लिटल वेरी डिम फ्लैक ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, उसकी आंखों में एक नया सुनहरी रंग आ चुका था। नाउ लुक वट यू हैव डन, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, सेट सैम अ लिटल मोमेंट लेटर, सैम ने कुछ लम्हे के बाद कहा। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया। हैरी बिटरिंग मूव्ड इन टू द मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग लोहे की दुकान में चला गया एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाने लगा। मैन स्टूड इन द ओपन डोर एंड टॉक्ड एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग हिज वॉइसेस, आदमी खुले दरवाजे में खड़े रहे और अपनी आवाजें ऊंची किए बगैर उसका मजाक बनाते रहे। वंस इन अ व्हाइल दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, एक दो दफा उन्होंने उसकी मदद की कुछ चीजें उठाने में, बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड, लेकिन ज्यादातर वो फारिक खड़े रहे। एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलोइंग आईज, और अपनी पीली होती हुई आंखों के साथ उन्हें उसे देखते रहे। इट्स सुपर टाइम हैरी दे सेड, शाम के नाश्ते का वक्त हो गया हैरी, उन्होंने कहा। माई हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सुपर इन अ विकेट विकर बास्केट, उसकी बीवी एक टोकरी में उसके लिए शाम का नाश्ता लेते हुए लेकर आई। आई वुड नॉट टच इट ही सेड, मैं इसे नहीं छूंगा, उसने कहा। आई रीड ओनली फूड फ्रॉम आर डीप फ्रीजर, मैं सिर्फ अपने डीप फ्रीजर का खाना ही खाऊंगा। फूड डेट केम फ्रॉम द अर्थ, वो खाना जो जमीन से आया है। नथिंग फ्रॉम आर गार्डन, अपने इस बाग का कुछ नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टैंड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उसे देख रही थी। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। I worked in a shop once, एक दफा मैंने एक दुकान पर काम किया था। When I was 20, जब मैं 20 साल का था। I know metal, मैं लोहे का काम जानता हूँ। Once I get it started, जब मैंने इसे एक दफा शुरू कर लिया। The others will help, तो दूसरे भी मेरी मदद करेंगे। He said, not looking at her, laying out the blueprints, उसने उसकी तरफ देखे बगैर अपने प्रिंट्स को देखते हुए कहा। Harry, Harry, he said, she said helplessly. वो बेचारगी से कह रही थी, हैरी हैरी यू हैव गॉट टू गॉट वे कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें अपने अपने रास्ते पर वापस जाना है, हमें यहाँ से जाना है कोरा, हमें यहाँ से जाना है। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, गर्मी से नहरें सूख गई हैं। समर मूव लाइक फ्लेम्स अपॉन द मीडोज, और गर्म हवाएं चरागाहों पर शोलों की तरह से गुजरती हैं। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट्स, और खाली जमीन पर द पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील्ड, घर उखड़ जाते हैं और छिल जाते हैं पेंटिंग की तरह। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन बैकयार्ड, और वो रबर के टायर या पहिए जिन पर बच्चे सेहन में लगाकर झूले लिया करते थे, हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम इन द ब्लेजिंग एयर, ऐसा लगता है जैसे इस दहकती हुई हवा में रुके पड़े हैं या रुके हुए हैं। एट द मेटल शॉप, लोहे की दुकान पर, द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, रॉकेट का ढांचा जंग आलूद हो रहा था। इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बिटरिंग स्टूड, और खिजां के मौसम में मिस्टर बिटरिंग खड़े थे। वेरी डार्क नाउ, बहुत काले हो चुके थे। वेरी गोल्डन आइड, बहुत सुनहरी आंखों वाले। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, उस दहलवान पर जो उनके घर के ऊपर थी। लुकिंग एट द वैली, वादी की तरफ देख रहे थे। इट्स टाइम टू गो बैक सेट कोरा, वापस जाने का वक्त हो गया, कोरा ने कहा। यस लेकिन, बट वी आर नॉट गोइंग ही सेट क्वाइटली, लेकिन हम नहीं जा रहे, उसने आहिस्ता से कहा। देयर इज नथिंग एनी मोर, अब कुछ नहीं बचा। योर बुक्स शी सेट, तुम्हारी किताबें, उसने कहा। योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारे अच्छे कपड़े। द टाउन इज एम्प्टी, अब ये कस्बा खाली हो चुका। नो वन गोइंग बैक ही सेट, कोई वापस नहीं जा रहा, उसने कहा। देयर इज नो रीजन टू नन एट ऑल, जाने की कोई वजह भी नहीं। द डॉटर मूव टेपस्ट्रेस एंड सम प्ले एंड सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशिएंट फ्लूइड्स एंड पाइप्स, बेटी भी खेल रही थी और बेटा भी पुराने बांस और पाइपों से म्यूजिक बजा रहा था या गाने गा रहा था। देयर लाफ्टर इचविंग इन द मार्बल विला, उनके पत्थर के घर में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। मिस्टर बिटरिंग गेज एट द अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली, मिस्टर बिटरिंग काफ़ी देर तक घूरते रहे निचली जानी
वाकया उस वादी की तरफ, सच ऑड सच रिडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ड, कितने अजीब से और कितने बेवकूफाना या घटिया घर जमीनी लोगों ने बनाए हैं। दे डिडंट नो एनी बेटर, हिज वाइफ सी अम्यूज्ड, उसकी बीवी ने कहा शायद वो इससे बेहतर बनाना नहीं जानते थे। सच अगली पीपल, बदसूरत लोग, आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है वो चले गए। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, स्टर्ल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग, ऐसा लगा कि उनकी बातें खत्म हो गई। दे लाफ, वो हंसे। वेयर डिड दे गो, कहाँ चले गए, ही वंडर्ड, वो हैरान हुआ। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की तरफ देखा, शी वॉज गोल्डन एंड स्प्लेंडेड लाइक हिज डॉटर, उसकी आंखें भी सुनहरी थी और अपनी बेटी की तरह लग रही थी कमजोर। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, एंड ही सीम ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डर सन, और वो इतना ही जवान लग रहा था जैसे उनका बड़ा बेटा। आई डोंट नो शी सेड, मुझे नहीं पता, उसने कहा। वी विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है हम अगले साल शहर जाएं, और द ईयर आफ्टर या उसके अगले साल, और द ईयर आफ्टर डैट या उससे अगले साल, ही सेड कामली, उसने सुकून से कहा। नाउ आई एम वार्म, हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, मुझे गर्मी लग रही है, क्या ख्याल है तैराकी करते हैं। दे टर्न देयर बैक टू द वैली, उनकी पुष्ट उनकी वादी की तरफ थी। आर्म इन आर्म दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, बाहों में बाहें डाले वो खामोशी से झील की तरफ चले गए। फाइव ईयर्स लेटर अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, पांच साल बाद हवा में आसमान से एक रॉकेट आया। इट लेस स्ट्रीमिंग इन द वैली, और वो आकर वादी में रुका। मैन लीव्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग, आदमी उस पे से बाहर आए और चिल्लाए, वी हैव वॉन द वॉर ऑन द अर्थ, हमने जमीन पर जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हे हम आपको बचाने आए हैं, कोई है, बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेज पीच ट्रीज एंड थिएटर्स वॉज साइलेंट, लेकिन अमरीकियों का बनाई गई वो झोंपड़ियाँ, आड़ू के दरख्त और थिएटर्स बिल्कुल खामोश थे। दे फाउंड अ फ्लिमसी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन अ एम्प्टी शॉप, उन्होंने देखा एक खाली दुकान पर रॉकेट का एक ढांचा जंग आलूद है। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, रॉकेट से आए हुए आदमियों ने पहाड़ों को जांचा। द कैप्टन एस्टैब्लिश हेडक्वार्टर इन एन अबंडेंट बार, कैप्टन ने अपना हेडक्वार्टर एक खाली जगह पर लगा लिया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट उसे कुछ बताने आया। द टाउन एम्प्टी, कस्बा खाली है, बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन हमें पहाड़ों में जिंदगी के असरात मिले हैं। डार्क पीपल, काले लोग, येलो आइट, पीली आंखों वाले, सुनहरी आंखों वाले, द मर्टियंस, मरीसी, वेरी फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना रवैये के। ही टॉक्ड अ बिट नॉट मच, उसने थोड़ी सी बात की, ज्यादा नहीं। दे लर्न्ड इंग्लिश फास्ट, उन्हें इंग्लिश आती थी। आई एम श्योर आवर रिलेटिव्स विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, मुझे यकीन है हमारे रिश्तेदार उनके साथ बहुत अच्छे से रहते होंगे जनाब। डार्क, स्याह फार्म, हाँ, म्यूज द कैप्टन, कैप्टन मुस्कुराया। हाउ मच, कितने ज्यादा, 600-800, 600 या 800, आई हैड से लिविंग इन द दोज मार्बल रुइंस इन द हिल सर, वो पहाड़ों में मौजूद इन पत्थरों के घरों में रहते थे जनाब। टॉल हेल्दी ब्यूटीफुल वुमेन, लंबी सेहतमंद और खूबसूरत खवातीन। डिड दे टेल यू व्हाट बिकम ऑफ द पीपल एंड वुमेन हु बिल्ड देयर हाउसेस सेटलमेंट, लेफ्टिनेंट, क्या तुम्हें पता चला कि वो आदमी और औरतें जिन्होंने जमीनी घर यहाँ बनाए थे वो कहाँ गए, लेफ्टिनेंट। दे हैड नॉट द फोगेस्ट नोशन ऑफ व्हाट हैपेंड टू द टाउन और इट्स पीपल, मुझे अभी तक कोई खबर नहीं मिली कि उस कस्बे के साथ और उसके लोगों के साथ क्या हुआ। स्ट्रेंज, अजीब बात है। यू थिंक दोज मर्टियन किल्ड देम, क्या तुम्हें लगता है कि मरीक के लोगों ने उन्हें मार दिया। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, नहीं, वो बहुत ज्यादा अमन पसंद थे। चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, हो सकता है कि यहाँ पर कोई आफत आई हो जनाब, परहैप्स, शायद। आई सपोज दिस इज वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज वी विल नेवर सॉल्व, मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, उन्हीं में से एक सवाल या एक मिस्ट्री आप लोगों ने अभी पढ़ी। ओके, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। बेसिकली आपको मैं ये बता दूं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लेसन। मिस्ट्री के बारे में उन्होंने हमें एंड पे बताया है कि मिस्ट्री है ये बेसिकली, कि अगर मार्स पे लोग चले जाएं, क्योंकि वी नो कि अर्थ, लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल ऑन द अर्थ, सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है क्योंकि हमारे पास पानी है, वी हैव फोर सीजन्स, हमारे पास सब फैसिलिटीज़ हैं। मार्स पे लाइफ
के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर हम इस ज़मीन को छोड़ के मार्स पे या किसी और अलग प्लेनेट पर चले जाते हैं, किसी और सियारे पर चले जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगी। वी विल बी चेंज फिजिकली, मेंटली, और वहाँ पर लाइफ जो है वो ज़्यादा देर स्टे भी नहीं करेगी। वी विल नॉट बी अलाइव देयर। और उन्होंने कहा कि जब लोग आफ्टर 5 ईयर्स जब उनको रेस्क्यू करने के लिए आए तो मिस्ट्री थी वो, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो लोग कहाँ चले गए। तो ऑब्वियसली मिस्टर एंड मिसेस बिटरिंग जो थी उनकी डेथ हो चुकी थी और वो लोग वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि वो रॉकेट का वेट करते करते, और वहाँ पर जो रॉकेट बनाया था मिस्टर बिटरिंग ने वो भी रस्टिंग हो रहा था, मतलब उस पर भी जंग लग रहा था, और सब चीज़ें वैसे ही रखी हुई थी। लेकिन जो उसने बताया कि ब्लैक कलर थे और गोल्डन आइट पर्सन थे, वो मरीख के लोग थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो बेसिकली वही अर्थ के लोग हैं जो वहाँ पे जाके उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से डार्क कलर्ड हो गए हैं और गोल्डन आइट हो गए हैं, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर्ड थे और ब्लू आइट या ग्रे आइट थे। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग। इस लेसन में हमें बेसिकली ये बताया गया है कि किसी इन्वायरमेंट का इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। ये हमारी चैप्टर नंबर 3 की ट्रांसलेशन हो गई। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।